जब कृष्ण ये अपनी लीलाएं सुनते हैं तो अब तो रहा नहीं जाता उनसे, तब तो वृंदावन जाना चाहते हैं। अब तो वो एकदम मूर्छित हो जाते हैं कि गोपियों को याद करके, फिर एकदम इतना मूर्छित हो जाते हैं कि उनको होश नहीं आता। तो फिर सब बताते हैं, सभी जो बड़ी गोपियाँ, गोपियाँ नहीं, बड़ी जो रानियाँ वगैरह, जैसे रोहिणी माता और देवकी और बाकी, वहाँ पर कंस की जो माता है उनका नाम क्या है, पद्मावती, वो भी वहाँ रहती है, वो सब डिस्कस करते हैं। कंस की माता पद्मावती तो कहती है, गोपियों ने तो हमारा कृष्ण को बिगाड़ दिया, उनसे गोबर उठवाया, सारे गाय चरवाया, सारे काम करा दिया उनसे, और ठीक से देखभाल नहीं किया, ऐसा करके ब्रजवासी उनको निंदा करती है। और सब सोचे ये तो पागल है, कुछ भी बोलती रहती है। तो इस तरह इनके बीच में चर्चा हो रही है, अभी कृष्ण तो मूर्छित हो गए, अब उनको कैसे होश में लाया जाए। तो फिर उसके लिए एक ही उपाय है, जब वो राधा रानी का आवाज सुनेगा तभी वो होश में आएगा। तो राधा रानी के पास भैया नहीं, वृंदावन ले जाना है उसको एक बार। तो लेकिन पहले जाके खबर देना चाहिए कि कृष्ण आ रहे हैं, क्योंकि वो ब्रजवासी सारे इतने शिथिल अवस्था में हैं वो कृष्ण के विरह में, कि वो लोग अभी लगभग उनका जान चली गई, उनका जान चली गई तो लगभग ऑलमोस्ट मरे नहीं, लेकिन लगभग मर गए जैसे स्थिति में। उस स्थिति में कृष्ण भी उनको देखेगा तो उनका भी हालत बहुत खराब हो जाएगा। तो इसीलिए पहले से उनको खबर देना चाहिए कि कृष्ण आ रहे हैं, लेकिन कौन खबर देगा? बलराम जी ने बोला मैं जाऊंगा खबर दूंगा। लेकिन बाकी लोगों ने कहा कि बलराम जी आप जाओगे तो आपको विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आपने बहुत बार बोला कि आप आएंगे, आ रहे कृष्ण आ रहे, ये तो आपने पहले भी कृष्ण ने बोला, कोई विश्वास नहीं करेगा, ये तो होने वाला काम नहीं है, ऐसा लगेगा। तो तब सुभद्रा बोलती है कि मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं लड़की हूं, तो लड़कियां जो है, स्त्रियां जो होते हैं वो कितना कपट नहीं होते, सरल होते हैं, तो मेरे बात पे ज्यादा विश्वास करेंगे, इसलिए पहले मैं जाऊंगी। ऐसा करके पहले सुभद्रा का रथ, फिर बलदेव, फिर जगन्नाथ, कृष्ण, ये तीनों एक के पीछे जाते हैं, तो वहां पर मुलाकात होता है। ये भी एक रथ यात्रा है।